उत्तराखंड के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश का असर मगरबी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा। जिले मुरादाबाद की कंदोड़ की ब्लॉक फिरोजपुर की पहाड़ियों पर तेज बारिश का पानी कोसी नदी तक पहुंच गया। आमद के सबब नदी गगन अपने उरूज पर आ गया। देहातियों ने नदियों को अबूर करने और खेत में आने के लिए दरियाए गगन का लकड़ी का एक पुल तामिर किया था। लकड़ी का पुल भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा। जी कौन सा गांव है ये? ग्राम जाति फिरोजपुर है। अच्छा, ये जो पुल है कच्चा पुल बनाया, किसने बनाया था ये? ये गांव के लोगों ने मिलकर बनाया था। ये लोगों को, बच्चों को दिक्कत ज़्यादा पड़ती थी, थोड़ा सहयोग मिल जाता था। अच्छा, गांव में इसके अलावा कोई पुल नहीं है? इसके अलावा कोई पुल नहीं है ना, कोई व्यवस्था निकलने की। एक ट्रेन का पुल है, उस पर कई बार जाने जा चुके हैं, लोग डर के वजह से उसी जाते नहीं। अच्छा, तो इसकी मांग नहीं करी आपने पुल बनने? मांग साहब कम से कम 20 साल से मांग कर रहे हैं बराबर। किसान यूनियन को धरना भी चला था, सब काम हो जाए, लेकिन सरकार कान पर जूने जाएंगे। अच्छा, किस तरीके की परेशानी आती है इन लोगों को? परेशानी का बच्चे को स्कूल कागन के उस पार हैं, और ताकि बच्चे जाने में दिक्कत होती है। अब तक फिर उसकी लॉकडाउन की वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्या पूरी है। खेती रकबा जितना सब पल्ली पार है कागन के, लोगों को धान लगाने में दिक्कत आ रही है, सारी परेशानी पूरी स्कूल से है। क्या चाहते हैं आप? हम तो सोच रहे हैं जल्दी जल्दी स्कूल का निर्माण हो जाए और लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। इससे लगभग जुड़े हुए 20-22 गाँव पड़ते हैं, उनका आगमन इस रास्ते से हो गए। अच्छा, ये पानी किस कैसा भरा हुआ है, नदी है क्या ये? गागन नदी बह रही है, बहुत पुरानी प्राचीन नदी है और इसमें आधा पानी भरा रहता है।